साइबर क्राइम के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य को लेकर मंडी पुलिस का अभियान मंगलवार को भी चलाया गया। अगले दिन पुलिस टीम फातिमा कॉन्वेंट स्कूल पहुंची। टीम में शामिल सीएसपी मनोज रत्नाकर ने बच्चों से कहा, आप आज युवा पीढ़ी है, आधुनिक चीजों को आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, इसीलिए साइबर क्राइम क्या, कैसे, कब और क्यों होता है ये बताने के लिए हमने स्कूल को चुना है। सीएसपी ने कहा, अपने बैंक खाते की जानकारी सार्वजनिक करने से साइबर क्राइम की संभावना बढ़ती है। साइबर क्राइम में लिप्त अपराधियों ने अपराध का नया तरीका अपनाया है, वे आपके खाते से खरीदी कर लेंगे और आपको पता भी नहीं चल पाएगा, इसलिए लगातार बैंक के संपर्क में रहें, अपने खाते की गोपनीयता भंग नहीं होने दें। हमारे द्वारा दी जाने वाली इन बातों का खुद अमल करने के साथ अपने परिजनों, रिश्तेदारों और दोस्तों को भी दें, ताकि वे भी इस अपराध के बारे में सजग रहें। पीआई ने कहा, मोबाइल का पासवर्ड भी शेयर मत कीजिए, क्योंकि इससे भी ठगी होती है। आजकल हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है, सुरक्षा के तौर पर हर मोबाइल यूजर अपने मोबाइल को लॉक रखता है, लेकिन कई मोबाइल यूजर्स अपने परिचित दोस्तों को मोबाइल को का पासवर्ड बता देते हैं। आपके इसी भरोसे का फायदा उठाकर वह मोबाइल ऐप के माध्यम से ठगी कर लेता है, इसलिए ध्यान रहे, आप अपने मोबाइल का पासवर्ड भी किसी से शेयर मत कीजिए, ये भी ऑनलाइन ठगी से बचने का तरीका है। इस दौरान बच्चों ने भी पुलिस से प्रति उत्तर किए, जिसके जवाब में पुलिस अधिकारियों ने आसान तरीके से समझाया। टीआई ने बताया, वर्तमान पीढ़ी में ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज बढ़ा है। कई शॉपिंग साइट्स ऐसी है जो ब्रांडेड कंपनियों का माल बताकर मोटी रकम वसूल कर दोयम दर्जे का सामान ग्राहक को दे देती है। सामान खराब निकलने पर कंपनी ग्राहक को उसका रुपया रिफंड भी नहीं करती, ये भी धोखाधड़ी है, इसलिए किसी भी शॉपिंग साइट से खरीदी करने से पहले उसके बारे में अच्छे से जाँच पड़ताल करें। अभियान के दौरान पीएसआई होतम सिंह बघेल, एएसआई रामनारायण पवार भी मौजूद थे।